कि तुम सा लहरों में उड़ता तो मैं भी सत्ता गह लेता, तुम सा ईमान बेचता तो मैं भी महलों में रह लेता। क्या है जगदेव प्रसाद के प्रति यह गंभीर विषय कि आज के नेता क्या कर रहे हैं, ये लहरों में उड़ करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन जगदेव प्रसाद ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जगदेव प्रसाद ने तमाम दलित शोषित और तमाम 90% लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ा। इसलिए आज के जो लोग हैं राजनीतिक दल बना करके और फिर टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जगदेव बाबू ने समाज के लिए देश के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन आज का नेता जो है मलाई खाने के लिए सत्ता पर बेकाबू है। इस दल में कल उस दल में यह जो है से दल बदल करके सत्ता पर काबिज होना चाहता है। यह बात शोषित अर्जक के लोगों को यह बात समझना चाहिए। साथियों, यह जो बात है कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी कि कहा उन्होंने कि नदी नर्मदा जब जब गरजे और गरजे गंगा की धार, जगदेव गरजे जब भारत में भय से कांपे लाजमदार, डोले सिंहासन तब इंदिरा के भैया दिल्ली के दरबार, बेटा जग गईल शोषितवा अब ना अब लेगा अपना अधिकार, बिना अधिकार लिए न छोड़े चाहे बहे वह खून की धार, जगदेव गरजे जब भारत में भय से कांपे लाजमदार। साथियों, आज जो है जब जगदेव बाबू के जब आंदोलन परवान पर चढ़ा तो यहाँ के दलित, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जब उनका आंदोलन को अपने ओर इसको संभाला, तब वहाँ आरा जो आरा है वह आरा में सहार में उन्होंने घोषणा कर डाली। उन्होंने यह घोषणा कर डाली कि 1985 में अगर हमारा निछक्का सरकार हम बिहार में बना लेंगे और 1990 आते आते अगर दिल्ली के गद्दी पर शोषित समाज दल का अगर निछक्का सरकार नहीं बनती है तो शोषित समाज दल के अगुवाई में हम केंद्रीय हम सरकार बनावेंगे। तब यहाँ के जो लोग थे इस बात को शोषक ने बहुत गंभीरता से लिया, यह आदमी कौन बोल रहा है भाई, भारत का वह कौन आदमी गरज रहा है कि दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो जाएगा। तो साथियों, यह जो लड़ाई को इसने सामंतों ने समझा और समझ करके और जा करके एक बहुत बड़ी साजिश के तहत 5 सितंबर 1974 को जब आंदोलन छेड़ा जा रहा था और उनकी ड्यूटी कहाँ मिली थी, अपने क्षेत्र में कुर्था में, और उस कुर्था में जब इन्होंने जब आंदोलन 5 सितंबर के था तो उनको बहुत लोग मना कर रहे थे कि जगदेव बाबू आपको साजिश के तहत आप मारे जाएंगे। लेकिन जगदेव बाबू ने अपने जान की परवाह नहीं की, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने कुर्था के मैदान में कैंपस में ब्लॉक में पहुंचा और उन्होंने वो सामंतित ताकत के लोग थे उन्होंने उस भीड़ में जो 10,000 के भीड़ थी उस कुर्था के मैदान में ईंट और पत्थर चलाने लगा, और जो एसडीओ था वीडियो था वह खिड़की के दरवाजा से उन पर गोलियां चला देती है। और यहाँ तक साथियों कि जब गोली से नहीं मरते हैं तो वहाँ के जो सामंती जो ताकते थी वहाँ के शासन और प्रशासन के लोग थे उन्होंने कार में बांध करके और उनको बहुत दूर तक ला घिसेटा, और घिसेटने के साथ साथ जब मरते नहीं हैं तो उनको कुंदा से मार करके और तब उनको हत्या कर दिया जाता है। और बड़ी दुख की बात यह है कि उनको जब डेथ कर जाते हैं, हत्या हो जाती है तो उनके मुंह में पेशाब पिलाया जाता है। लोग सामंती लोग पेशाब करते हैं और आप जैसे लोग को अभी कान में पर जू नहीं रेंग रहा है, कैसा आप हैं, कैसा आपकी ये शरीर में खून है जो पानी बन गया है, और इस पानी को आपको खून बनाना होगा। अब आने वाला समय में आपको इस
तैयारी में इस जंग में कूद जाना होगा, कूद पड़ना होगा। ये तो जगदेव बाबू के बात है और इसीलिए उनकी हत्या कर दी कि न बांस रहेगी न बसुरी बजेगी। तो बांस को खत्म कर दिया जाएगा और यह लड़ाई, और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई दब चुकी है, लेकिन इतिहास का यह खेला है कि कभी लड़ाई दबती है, कभी उठती है, कभी दबती है, कभी उठती है। लेकिन यहाँ जितना एक जगदेव बाबू मारे गए, लेकिन लाखों जगदेव पैदा हो गए। अवसर आ गया है, और अवसर आ गया है आपको यह जंग में कूदने का, और यह कूद करके सत्ता पर पहुंचने का, काबिज होने का। साथियों, आपने सुना होगा 2013 में जो वर्तमान स्थिति पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं, समय कम है। आपने सुना होगा कि 2013 में जब आना था मोदी जी को, तो मोदी जी ने क्या कहा, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन कैसा आने वाले हैं भाई, तो हर व्यक्ति को खाते में 15 लाख रुपया दिया जाएगा और बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगार दिया जाएगा। आपको क्या हुआ, आपको बेरोजगारी मिट गई, आपको 2 लाख रुपया आ गया। यह तो बात पुरानी पड़ गई। आपको तो सोच ये क्या कहना है कि अब कोरोना के माध्यम से लूटा जा रहा है, और यह बीमारी जब यह कान से सुने, और जब बेरोजगारी नहीं मटती, और बेरोजगारी के बदला क्या हुआ, एक लाख 90 करोड़ जो रोजगार थे, जो नौकरी में लोग थे, उनकी नौकरी से छटनी कर दी गई। तब क्या हुआ, तब पूछते नहीं हैं आप लोग, सारे यहाँ व्यवस्था के लोग, सारे पार्टियां के लोग, सारे सामाजिक संगठन के लोग जुटे हुए हैं, उनको से भाजपा से नरेंद्र मोदी से सवाल तलब करना, जवाब तलब करना चाहिए कि जो आपने 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, 2 करोड़ बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का व्यवस्था करना था, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया। साथियों, यह जरूरत है। अब बिहार में चुनाव आने वाला है, और आज के नेता क्या कर रहे हैं, आज के नेता, कल जो मोदी जी, जो ये हमारे मांझी जी जब अलग हुए भाजपा और जदयू से, तो कहते थे कि ये हम तो चूहा मारने वाले हैं, हम चूहा खाने वाले हैं, हम उनके नज़दीक नहीं जाएंगे, हम विदेशी को भगा देंगे, हम मूल निवासी हैं, हम देसी हैं। तो आज कहाँ चले गए, मांझी जी से आप पूछिए कि आप किसकी वकालत करते हैं, आप किसकी हक और हकूक की बात करते हैं। ये तो मांझी जी यही हैं। और क्या रामविलास पासवान जी कहते थे कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है। क्या रामविलास पासवान जी, आप वहां गए जहां मोहन भागवत जी के सदियों से घर अंधेरा था। आप लोग को, आप जनता है, आप इस देश के मालिक हैं, आपको पूछना चाहिए ये रामविलास पासवान जी से, रामविलास पासवान जी से पूछना चाहिए कि आपको सबसे अंधेरा घर वहीं दिखाई दिया। मलाई मार के खाने वाले रामविलास पासवान को ये जनता को सबक सिखाना चाहिए, दलित और शोषित को हक और हकूक के मार करके, और ये जितना भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सब रोज नई पार्टी बना बना करके और जगदेव प्रसाद के विचारों को मारना चाहते हैं। और तो और, हमारे एक मित्र थे मंटू कुमार कुशवाहा जी, मंटू कुमार कुशवाहा जी ने कहा कि सवर्ण में भी अच्छे लोग होते हैं। बड़ी अच्छी बात है। दयानंद सरस्वती की बातें आई, अच्छी बात है, उन्होंने दिया नारा कि सबको आर्य समाज बनाए। पता है उनको, जिस समय आर्य समाज बनाए थे, उस समय सतशोधक समाज को निर्माण कर रहे थे कौन, किसने किया, ज्योतिराव फूले ने किया। अब ज्योतिराव फूले जिस समय आंदोलन चला रहे थे सतशोधक समाज बना करके, उस समय इनको ध्वस्त करने के लिए आर्य समाज बना करके, जब सारे हिंदू सब जात ईसाई बन रहे थे, दूसरे दूसरे धर्म ग्रहण कर रहे थे, तो दयानंद सरस्वती को लगा कि अब तो हिंदू रहबे नहीं करेगा, तो अब हमको कौन पूछेगा, इन ब्राह्मणों को कौन पूछेगा। तो उन्होंने छूट दे दिया कि ये सब शादी श्राद्ध करा सकता है, मंदिर प्रवेश कर सकता है,
लेकिन दयानंद सरस्वती ने क्या कहा आप लोग जानते हैं? दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेद की ओर लौटो। तो वेद में क्या लिखी हुई बातें हैं? ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ये कहाँ से पनपता है? ये कहाँ से बातें आती है? वेद और पुराने से बातें आती है। तो अच्छी बात है, कोई ब्राह्मणों ने यहाँ उच्च वर्णीय लोगों ने यहाँ कोई आंदोलन चला रखा है क्या? कोई चलाया आज तक ला? और नहीं चलाया तब फिर अच्छी बात है, दूसरा के घर में पैदा हो जाए भगत सिंह, हमारे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, यही कहना था। और अब तो जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे घर में पैदा हो, अपने घर में पैदा करना होगा और एक लड़ाई और लड़नी होगी, वह लड़ाई आज़ादी के लिए लड़नी होगी, सामंत और पूंजीपतियों के खिलाफ लड़नी होगी। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।